अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप तमाम लोग कैसे हैं? अल्लाह के करम से मैं भी ठीक। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है स्पेगेटी बीफ कीमे के साथ। सबसे पहले जो हमने कीमा जो है ना वो बॉयल कर लिया है। एक अदद जो है मीडियम साइज़ की दालचीनी स्टिक, हाफ बड़ी इलायची, दो अदद लहसुन के जो है स्मॉल साइज़ की हाफ प्याज ऐड की इसके अंदर, नमक और दो अदद लौंग ऐड करके इसको हमने बॉयल कर लिया कीमे को अच्छे से। साथ ही साथ एक डिब्बा स्पेगेटी का, मीडियम साइज़ की प्याज चॉप की हुई, दो मीडियम साइज़ की टमाटर पेस्ट, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और दो अदद हरी मिर्च। चलते हैं रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पानी बॉयल करेंगे स्पेगेटी के लिए। एक टेबलस्पून जो है ना नमक ऐड करेंगे इसमें, हाफ टेबल स्पून और ऐड कर लें, साथ ही जो है ना स्पेगेटी ऐड कर देंगे। मिक्स करके जब तक ये बॉयल होते इसको ऊपर से कवर कर देंगे। साथ ही साथ स्पेगेटी का जो मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। स्पेगेटी का मसाला रेडी करते हैं। सबसे पहले 1.5 टेबल स्पून ना घी ऐड करेंगे। घी मेल्ट हो गया, स्मॉल साइज़ की प्याज चॉप की ऐड करेंगे। प्याज को हल्का सा ब्राउन करने तक फ्राई करेंगे, साथ ही साथ इसे कीमा भी ऐड कर देंगे। प्याज और कीमे को जो है ना अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एक टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। एक टीस्पून सूखे धनिया का पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून जीरा ऐड करेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से जो है ना फ्राई कर लेंगे। स्पून जो है ना टमाटर पेस्ट ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। घी निकलने तक अच्छे से इसे फ्राई कर देंगे। कीमा हमारा अच्छे से भून चुका है। अब थोड़ा सा इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे, साथ ही साथ जो है ना वो ग्रीन रेड मिर्च ऐड करेंगे और थोड़ी सी जो हरी मिर्च ऐड करेंगे। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। अब चलते हैं स्पेगेटी की तरफ। ये रेडी है, इसमें स्पेगेटी भी जो है ना हमारी बॉयल हो गई है। अब इसको हम जो है ना छान लेंगे, छान के फिर इसमें ऐड करेंगे। तो बीफ कीमे की स्पेगेटी जो हमारी बिल्कुल रेडी है, बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार जो है ना रेसिपी हमारी बन के रेडी है। आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है। आप चाहे ये सारा जो है वो मिक्सचर आप इसमें मिक्स भी कर सकते हैं। आप इसके ऊपर ऐड करके अपनी मर्ज़ी से भी मसाला डाल के खा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट किया करें। चैनल पे जो नए चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल के आइकन को प्रेस किया करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक और आसान और मज़ेदार रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।